have been silent. वेलकम टू श्री राम आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसमें आर्टिकल्स आप देख रहे हो, वी हैव टू कवर इट इन डिटेल. सो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन एंड कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, क्योंकि जब जब इंपॉर्टेंट वीडियोज आती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू चैनल. ठीक है, सो लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट वट वी हैव टू डिस्कस टूडे. तो पहला जो आर्टिकल है जो आप देख रहे हो दैट इज रिगार्डिंग अस्त्र मिसाइल्स. तो आपके डिफेंस सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो एंड प्रिलिम्स के लिए बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट. देन सेकेंड इज एन एक्सरसाइज, ये भी डिफेंस कैटेगरी से ही है, प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक्सरसाइज अयोध्या, तो ये कैसी एक्सरसाइज है, कौन सी दो देशों के बीच में होती है, ये सारे डिस्कशन करेंगे एवरीथिंग अबाउट इट. देन वील डिस्कस अबाउट स्नो लेपर्ड्स. तो ये आपके आई वुड से ये भी प्रिलिम्स के लिए ही ले लो, इम्पॉर्टेंट है. सो या देन यू हैव इंडिया मॉलडीव्स के रिलेशंस. अभी ना ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है जिसपे मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो भी डिस्कस करी है, एक दो शॉर्ट वीडियोस लाई हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अभी ये जो सब हुआ है लक्षद्वीप और इंडिया का सिनेरियो, तो हमारे लिए ना ये जीएस पेपर टू के लिए इम्पॉर्टेंट है. बायलेटरल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स, राइट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट. सो ऑल दोज एग्रीमेंट्स एंड ग्रुपिंग्स दैट आर इन्वॉल्विंग इंडिया, इन टैग्स में जीएस पेपर टू में आप इसको लिंक कर सकते हो. तो यहां पर देखो प्रिलिम्स के लिए भी आपके इंडिया और मॉलडीव्स के जो रिलेशंस हैं वहां से स्टेटमेंट बन सकती है. तो यहां ना मैं आपके साथ एक टर्म यूज करूंगी, दैट इज वज्रायन बुद्धिज्म. ये आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ोगे, राइट. और मेंस के पर्सपेक्टिव से वी हैव की मैंने टूरिज्म सेक्टर को लेकर शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो क्या क्या कंसर्न्स हैं टूरिज्म सेक्टर को लेके एंड जो प्रेजेंट कंसर्न्स हैं दैट आर रिलेटेड टू टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. और इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशन के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वैसे मॉलडीव्स का सिग्निफिकेंस, इंडिया का सिग्निफिकेंस फॉर मॉलडीव्स, और फिर उसके बाद बींग अपकमिंग सिविल ऑफिसर, तो सिविल सर्वेंट, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि अच्छा हम मसले का हल कैसे कर सकते हैं. तो ये आपके आंसर में झलकना चाहिए, राइट. ये आपके अप्रोच में व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू एज वेल, वो आपके पास सॉल्यूशन होने चाहिए जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आर्मी डे एंड आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डीलिंग विद इट. IMD के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको जीएस पेपर टू से भी लिंक कर सकते हो एंड प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस लेक्चर. सेशन आगे बढ़ाती हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल फाइंड दैट कनेक्टिविटी. सॉर्टेड है? ओके, देन लेट्स मूव अहेड विद दिस फर्स्ट आर्टिकल दैट यू कैन सी इज रिगार्डिंग मिसाइल. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल फॉर द सप्लाई टू इंडियन एयरफोर्स एट भारत डायनेमिक्स इन हैदराबाद. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया अस्त्र मिसाइल क्या है, क्योंकि इट इज अ वेरी पावरफुल वेपन जो कि डिजाइन किया गया है फॉर फाइटर प्लेन्स इन द इंडियन एयरफोर्स, राइट. सो आप बोलो अपनी कैटेगरी में अपने टॉप नॉच पे है ये. तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मिसाइल है दैट इज डिजाइन टू बी यूज बाय फाइटर प्लेन्स क्रिएटेड बाय DRDO, इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनेमिक्स लिमिटेड. किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए. तो अस्त्र इफेक्ट है ना, तो एयर टू एयर मिसाइल है एंड डिजाइन टू बी माउंटेड ऑन फाइटर क्राफ्ट, राइट. तो यहां पर ये जो मिसाइल है ये डिजाइन करी गई है टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मेनोवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट. तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं, इसका पर्पस बता रहे हैं कि फास्ट प्लेन्स जो है एंड टू शूट डाउन दैट वन दे आर डिजाइन, क्योंकि दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट, लेकिन इसका पर्पस यही है, दे आर डिजाइन इन दैट मैनर टू शूट डाउन अदर फास्ट एंड एजाइल प्लेन्स दैट मे बी वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू टारगेट. सो इट्स स्पेशली गुड एट डिस्ट्रॉइंग हाई स्पीड प्लेन्स, राइट. सो एयर टू एयर मिसाइल्स की अगर मैं कैटेगरी में देखूं तो अस्त्र इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो अगर बोले कि आर देर एनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑल्सो,
यस, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड इन मल्टीपल वेरिएंट्स टू मीट दी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अस्त्र MK-1 वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद SU-30 MKI, MKI वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद SU-30 MKI एयरक्राफ्ट, इट इज बीइंग इंडक्टेड इनटू दी इंडियन एयरफोर्स। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे जैसे ये डिफेंस के रिगार्डिंग आती हैं वो साथ साथ आप पैरेलली कवर करते जाओ। नो रॉकेट साइंस, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो आर्टिकल है वो है दिस एक्सरसाइज अयोध्या, वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, ये एक बाइलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बिटवीन एक तरफ हमारी नेवी और एक तरफ रॉयल थाई नेवी, थाईलैंड की बात कर रहे हैं। सो इट वॉज कंडक्टेड। एक्सरसाइज का नाम देख रहे हो आप, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है दो एंशियंट सिटीज के नाम से, बन रहा है अयोध्या इंडिया में और थाईलैंड का अयुट। सो ये सिग्निफाई करता है द हिस्टोरिकल कनेक्शंस। अब आप जब नाम ऐसे बना रहे हो अयोध्या से और अयोध्या थाईलैंड से, सो दिस एक्सरसाइज अयोध्या एक डिनोट कर रहा है, इट इज सिग्निफाइंग दोज हिस्टोरिकल कनेक्शंस वी हैव विद द अदर कंट्री, जो हमारे रिच कल्चरल टाइज हैं, एंड दिस आइडिया ऑफ बीइंग इनविंसिबल। सो क्या होता है इस एक्सरसाइज में? इंडियन नेवी शिप, पहले तो मैं आपको नेवी शिप का नाम बता देती हूँ, दैट इज इंडिजीनियसली बिल्ड इंडियन नेवल शिप क्यूलिश एंड INLCU-56 पार्टिसिपेटेड इन द इनॉग्रल एडिशन। सिग्निफिकेंस मैंने इसका आपको बता दिया, दो ओल्ड सिटी, ओल्डेस्ट सिटीज, एक हमारे इंडिया की और एक थाईलैंड की, वहां से दिस नेम सिग्निफाइज दैट। Both the navies have taken a step towards strengthening the operational synergy and progressively increasing the exercise complexity. तो यहाँ पर जो participating units है ना, so दोनों navies की, they are engaged in multi this particular anti-air exercises like firing weapons, performing seamanship maneuvers, practicing tactical moves at sea. So इट्स अ वे कि कैसे इंडियन नेवी और थाई नेवी जो है, दे विल वर्क टूगेदर, दे विल एनहेंस देयर एबिलिटी टू ऑपरेट इन द मेरीटाइम डोमेन, राइट? सो अगर मैं बात करूं दिस इंडिया थाई कॉर्पैक्ट, द 36th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल वाज आल्सो कंडक्टेड, 36th एडिशन, राइट? बायलेटरल एक्सरसाइज है ये भी। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दोनों नेवीज की, दे पार्टिसिपेटेड इन द सी फेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहां पर ना देखो, ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट This coordinated effort is a part of Government of India's vision, that is SAGAR. It stands for Security and Growth for All in the region. So it shows a commitment कि आप security और prosperity Indian Ocean region में enhance करने के लिए ये सब काम, मतलब ये सब चीजें efforts जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। Now the Indian Navy and Royal Thai Navy have a very strong and friendly relationship. Yes, अगर आपसे पूछा जाए दोनों नेवीज के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, दे हैव ग्रोन एंड दे हैव स्ट्रेंथन्ड आल्सो ओवर द इयर्स। ओवरऑल गोल यही होता है कि यू एक्टिवली वर्क टुगेदर, अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ाएं इन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट? म्यूचुअल सिक्योरिटी और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, ठीक है? इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट म्यूचुअल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। देन यू हैव दिस पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग के अंदर, जो कि अभी सुर्खियों में है फॉर सक्सेसफुली ब्रीडिंग 77 स्नो लेपर्ड्स सिंस 1980s। अच्छा, आपको होमवर्क पता चल गया अपना? क्या होमवर्क है? मैप में जाकर आपको ये देखना रहेगा, और इससे पहले जो भी और आसपास पढ़ते हैं, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, सो यू हैव टू लुक एट देम, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क माय वर्ड्स, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, यूपीएससी ने अक्सर सवाल पूछा है। सो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती है। ये आपको मैं यहाँ पर स्नो लेपर्ड की फोटो दिखा रही हूँ, बट एज फार एज दिस जूलॉजिकल पार्क इज कंसर्न, दैट यू विल लुक by yourself in the map, right? अब ये जो स्नो लेपर्ड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउंस, एक लार्ज एशियन कैट क्लासिफाइड एज पैंथेरा यूनिशिया इन द फैमिली ऑफ फेलिडी। इट प्रेज ऑन एनिमल्स लाइक मारमोट्स, वाइल्ड शीप एंड बाकी जो वहां डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक है, ये सब कुछ। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसके थ्रेड्स के बारे में, वाई आर स्नो लेपर्ड्स इंपॉर्टेंट, ये सब देखते हैं। रही बात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन की, सो दिस पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड, दिस जू जूलॉजिकल पार्क, व्हाटएवर यू से इट एज, इट इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग, एंड इट इज
It has been very successful in breeding. How many snow leopards? 77 since 1980s. Snow leopard बता दिया, एक लार्ज कैट है दैट इज फाउंड ये आपको ना सेंट्रल और सेंट्रल एंड साउथ एशिया, सो माउंटेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, यहां पर ये पाए जाते हैं. एंड दे हंट एनिमल्स लाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाइल्ड शीप हो गया, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक्स और मैमोट्स, ये सब. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फूड चेन की जब मैं बात करती हूं ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फूड चेन, एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा स्टैटिक के अंदर टॉप प्रिडेटर है फूड चेन के अंदर अपने माउंटेन इकोसिस्टम में. सो द हेल्थ ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिकेट करती है क्या? ओवरऑल हेल्थ ऑफ माउंटेन एनवायरमेंट, है ना. वो है तो समझ आएगा, उनकी हेल्थ से समझ आएगा कि अच्छा वहां का इकोसिस्टम कैसा है, क्योंकि दे आर दी टॉप प्रिडेटर इन द फूड चेन. तो यहां पर इनके हैबिटेट की बात करते हैं. ये आपका मैप है, इन पर्टिकुलर रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे. सेंट्रल एंड साउथ एशिया की बात कर रही हूं. इंडिया के अंदर देयर जियोग्राफिकल रेंज एनकंपासेस लार्ज पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयस. दिस रेंज यू कैन यू आर एबल टू लोकेट इट, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और है यू कैन सी बिट ऑफ इट, है ना. सो अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न हिमालय. सो ये एरिया जो है यहां पर आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे. राइट नाउ थ्रेट्स टू सर्वाइवल की बात करूं तो दे आर एस्टिमेटेड टू बी 4000 टू 6500 स्नो लेपर्ड लेफ्ट इन द वाइल्ड, और उसमें से 500 आर इन इंडिया. तो जैसे जैसे ह्यूमन कम्युनिटी एक्सपैंड कर रही है, पीपल आर सेटलिंग इन मोर एरियाज, सो एक कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता ही है. फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग हो जाता है, राइट. डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काओ, शीप, दे फीड इन द स्नो लेपर्ड टेरिटरी, वो भी एक प्रॉब्लम बन जाती है. तो एक लिमिटेड पॉपुलेशन है. दूसरा है कि ह्यूमन सेटलमेंट और वो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग का इशू. तीसरा है क्लाइमेट चेंज का इशू, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, दे आर अफेक्टिंग द होम रेंज ऑफ स्नो लेपर्ड्स, और इसकी वजह से उनके हैबिटेट में चेंजेस पड़ेंगे, जो कि उनकी इट विल अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फाइंड फूड एज वेल. सो क्लाइमेट चेंज इज अनदर इशू, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड इलीगल एक्टिविटीज लाइक पोचिंग. सो पोचर्स हंट करते हैं स्नो लेपर्ड्स को फॉर देयर फर एंड बॉडी पार्ट्स, जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर यूज किए जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जो कि आप देख सकते हो. राइट जस्ट अ मिनट या अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ना जरा ये बताना कि IUCN स्टेटस क्या है स्नो लेपर्ड का, ठीक है. IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब थोड़ा चलते हैं मॉल्डीव्स. ये रहा अपना लक्षद्वीप, राइट. डिप्लोमेटिक टर्मोइल चल रहा था, सवाल उठते हैं दोनों के रिलेशनशिप पे. दोनों के रिलेशनशिप मतलब यहां पर हम इंडिया और मॉल्डीव्स की बात कर रहे हैं. सो क्या करंट सिनेरियो है, और आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी ना मैप इंपॉर्टेंट है. लक्षद्वीप का मैप इनफैक्ट आई वुड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत बार बोल चुकी हूं कि लक्षद्वीप को मॉल्डीव से सेपरेट करने वाली कौन सी वो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. और विच अदर वन, अगर आपको कोई और पता है तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन. सो डू लेट मी नो. राइट नाउ मॉल्डीव्स अभी करंटली देयर इज दिस डिप्लोमेटिक टर्मोइल क्रिएटिंग अनसर्टेनिटीज अबाउट द रिलेशनशिप विद इंडिया एज वेल. इसके अंदर डिप्लोमेटिक रिमार्क्स, मिलिट्री मूवमेंट्स, कैंसिलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है. मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रदर आई वुड से इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो मॉल्डीव्स ने अभी नए डील एग्रीमेंट साइन किए हैं चाइना के साथ, और ये जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है. जिनका PSIR ऑप्शनल है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये जो नई डील्स है ना, ये इफेक्ट करेंगी रिलेशनशिप को, राइट, द टाइज विद इंडिया. तो ये सारी चीजें हैं. नाउ अगर मैं ना थोड़ा सा हम थोड़ा चलते हैं बैकग्राउंड में, हिस्टोरिकल अगर मैं टाइज की बात करूं तो लिखा सारा कुछ हुआ है, सुनो समझो. राइट लिख आप कुछ भी बाद में सकते हो, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है. इंडिया और मॉल्डीव्स का 1965 की मैं बात कर रही हूं. सो दे हैव दैट लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड दोज पॉलिटिकल रिलेशंस. ये रिलेशनशिप शुरू हुई व्हेन ब्रिटिश रिलिंक्विश्ड द कंट्रोल ऑफ द आइलैंड्स. वो जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ है पोस्ट 2008, मालदीव्स का जो ट्रांजिशन हुआ टू अ डेमोक्रेसी इन 2008,
इंडिया ने एक्टिवली काम किया है ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद वेरियस ग्रुप्स इन मालदीव्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री एसोसिएटेड हो, बिजनेस एसोसिएटेड हो, सिविल सोसाइटी फिगर्स हो. सो अच्छा एक हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है. और मालदीव्स का सिग्निफिकेंस जो है इंडिया के लिए वो भी आपको बातें जाननी है. देखो एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको कुछ नहीं बताओ, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, ये सबको मालूम होना चाहिए. इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इन द इंडियन ओशन. एक गेटवे की तरह है टू द अरेबियन सी एंड बियॉन्ड, राइट. इट इज अलाउइंग इंडिया टू मॉनिटर दैट मैरीटाइम ट्रैफिक एंड वो रीजनल सिक्योरिटी भी और एनहांस होती है. और रही बात कल्चरल लिंक की, डीप कल्चरल कनेक्शंस, हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी हैं दैट गोज बियॉन्ड, मतलब बैक फॉर सेंचुरीज की अगर मैं बात करूं. मैं बुद्धिज्म की बात कर रही थी ना यहां पर, सो वज्रायन बुद्धिज्म. इंडिया एंड मालदीव्स इन द एंशिएंट टाइम्स अंटिल द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी बुद्धिज्म वाज अ मेन रिलीजन इन द मालदीव्स एंड इट हैज एज एविडेंस्ड बाय द इंस्क्रिप्शंस ऑफ दिस वज्रायन बुद्धिज्म. फिर उसके बाद एक स्टेबल और प्रॉस्परस मालदीव्स रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है. और इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके साथ इट अलाइंस विद, जिसका फोकस क्या है, ऑन फॉस्टरिंग गुड रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज ताकि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे इंडियन ओशन रीजन के अंदर. ये तो हो गया मालदीव्स की सिग्निफिकेंस. लेकिन इंडिया की क्या सिग्निफिकेंस है फॉर मालदीव्स? राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन. इंडिया वाइटल सप्लायर है ऑफ दीज एवरीडे आइटम्स टू द मालदीव्स. इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू बिल्डिंग दिस मालदीवियन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग मटीरियल्स लाइक सीमेंट, रॉक बोल्डर्स. वहां पर भी इंडिया का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रहा है. एडुकेशनल सपोर्ट की भी बात करूं तो इंडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द एडुकेशन ऑफ मालदीवियन स्टूडेंट्स, ऑफरिंग हायर एडुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन इंस्टीट्यूशंस. स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं फॉर द डिजर्विंग स्टूडेंट्स एज वेल. फिर रही बात डिजास्टर असिस्टेंस की, सुनामी, वाटर शॉर्टेज, ड्यूरिंग दीज क्राइसिस इंडिया ने कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करी है एड टू द मालदीव्स. COVID-19 पैंडेमिक में इंडिया एक रिलायबल पार्टनर की तरह रहा है ऑफरिंग दोज एसेंशियल, आई वुड से सपोर्ट, एसेंशियल आइटम्स. फिर उसके बाद इंडिया कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इंडिया इज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ असिस्टिंग इन सिक्योरिटी मैटर्स, राइट. जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हैं, एक्विवेरन दोस्ती, राइट. सो ये कुछ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी हैं मालदीव्स के साथ. और इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का टूरिस्ट. इंडियन टूरिस्ट लीडिंग सोर्स मार्केट है फॉर मालदीव्स सिंस COVID-19 पैंडेमिक के बाद. तो अगर आप देखो तो 2023 में 11.2% ऑफ द टोटल टूरिस्ट अराइवल्स हुए हैं, 18.42 लाख विजिटर्स रहे हैं इंडिया के. तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. लेकिन हाल ही में जो ये हुआ है, देखो दोनों का, मालदीव्स का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए और इंडिया का सिग्निफिकेंस मालदीव्स के लिए, दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और टूरिस्ट का शेयर भी बता दिया है. और चलो फिर मैं अगर आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि विच चैनल सेपरेट्स इंडियन मिनिकॉय, इंडियन मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, तो उसको कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल. तो ये आप याद में रख सकते हो, 8 डिग्री चैनल है दैट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, राइट. इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है. तो सवाल उठता है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू इंडिया मालदीव्स रिलेशंस. देखो बहुत चैलेंजेस, 4-5 हम डिस्कस करते हैं. पहला तो रीसेंट ईयर्स में देयर हैज बीन अ पॉलिटिकल कैंपेन इन द मालदीव सेंटर्ड अराउंड इंडिया आउट प्लेटफॉर्म. जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उन्होंने एक डेडलाइन सेट करी है 15 मार्च 15 मार्च 2024 की फॉर द विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स, राइट. तो ये एक चैलेंज, मेजर चैलेंज रिलेटेड टू इंडिया मालदीव रिलेशनशिप. फिर उसके बाद आप टूरिज्म स्ट्रेन के कॉन्स्ट्रेंट पे चले जाओ. देयर हैज बीन अ डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट इन द मालदीव रिलेटेड टू टूरिज्म ना, क्योंकि सर्टेन कमेंट्स वर डायरेक्टेड एट आवर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द विजिट टू लक्षद्वीप आइलैंड. सो यहां पर इट हैज लेड टू अ सोशल मीडिया ट्रेंड दैट इज एडवोकेटिंग बायकॉट ऑफ द मालदीव, राइट. उसके बाद चाइना का इन्फ्लुएंस, और वो भी बढ़ता इन्फ्लुएंस. चाइना का क्या है, चाइना को तो मौका चाहिए. चाइनीज इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है मालदीव्स में,
एंड इट इज बिकमिंग मोर विजिबल नाउ। मॉलडीव्स की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस लोकेशन इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एज वेल, प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, राइट। जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ये बहुत ही, इट इज कॉजिंग कंसर्न इन इंडिया एंड इट मे लीड टू रीजनल जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट ऑल्सो। देखो ओवरऑल बात करूं तो यहां पर मॉलडीवियन गवर्नमेंट को भी क्विक स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि यू एड्रेस दैट सिचुएशन, एंड दे हैव यू नीड टू सस्पेंड सर्टेन मिनिस्टर्स दैट दे आर शोइंग एन एफर्ट टू मैनेज द क्राइसिस। बट हाँ ओवरऑल अभी आपने वो डेडलाइन की भी देखी है, हमने बात करी है, तो जरूरत क्या है? डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू यू नीड टू रीबिल्ड द ट्रस्ट। दोनों कंट्रीज को वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन द इश्यूज दैट कंसर्न देम बोथ, क्योंकि उनको भी और हमें भी, ऐसा नहीं है एक ही को नुकसान हो रहा है, राइट। दिस कॉपरेशन विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप फर्दर। कंप्लेन्स, कंसर्न्स, यू नीड टू एड्रेस योर ग्रीवियंसेज। ओपन कॉम्युनिकेशन विल रिजॉल्व द इश्यू, कोई भी रिश्ता हो, राइट। सो यू नीड टू रिमाइंड ईच अदर ऑफ योर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशंस। यही देखो यही चलता है, आप अपनी निजी जिंदगी में देखिए, आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में देखिए, रिश्ता ऐसे ही बचता है, राइट। आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपके लिए जरूरी हूं, आप मेरे लिए जरूरी हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। सो बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, एंगेजिंग इन डायलॉग्स, कॉपरेटिंग ऑन शेयर्ड कंसर्न्स, एड्रेसिंग दोज ग्रीवियंसेस, एम्फसाइजिंग देयर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज, दोनों कंट्रीज कैन क्रिएट अ पाथ टूवर्ड्स डिप्लोमैटिक रेजोल्यूशन एंड दे कैन रिजॉल्व द करंट क्राइसिस एज वेल। यहां पर 2013 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द मालदीव्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज फॉर कंसर्न टू इंडिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूं कि जिस पे हम इतनी डिस्कशन करते हैं, ये चीजें अगर आपको समझ आ जाए, एक बार माइंड में एक एनालिसिस डेवलप कर लो आप, तो फिर ऐसे सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, 2013 में पूछा है, तो अभी देर आर चांसेस। कल मैंने आपके साथ लेंटिल की बात करी थी, है ना, दाल की बात करी थी, तो यहां पर 2020 में यूपीएससी ने एक पल्स प्रोडक्शन से एसोसिएटेड प्रीलिम्स से सवाल पूछा था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यू लेट मी नो द आंसर ऑफ इट, रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देन मूविंग अहेड, वी हैव आईएमडी के बारे में सर्टेन इंफॉर्मेशन, क्योंकि आईएमडी विद द मैंडेट ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक वेदर सर्विसेज विल कंप्लीट 150 ईयर्स ऑफ प्रेजेंस ऑन 15 जनवरी 2025। 150 साल, आईएमडी इज अबाउट टू सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ इट्स प्रेजेंस 2025 में। सो आईएमडी प्लान्स अ नेशन वाइड सेलिब्रेशन इन ऑल इट्स सब ऑफिसेज फ्रॉम 15 जनवरी 2024 टू 15 जनवरी 2025। आईएमडी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया इट इज, मेन गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू वेदर एंड उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन देना, ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड दोज करंट एंड फॉरकास्ट दो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फार्मिंग, इरीगेशन, शिपिंग, एविएशन, इन सबको लेके इट हेल्प पीपल प्लान देयर एक्टिविटीज। फार्मर कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, राइट, फिशिंग की बात करते हैं, सीवियर वेदर जब आता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स, इट वॉर्न पीपल अबाउट दो सीवियर वेदर इवेंट्स, राइट। इट प्रोवाइड दो स्टेटिस्टिक इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू वेदर, और ये डेटा बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर इट प्रमोट रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड। सो दिस इज वॉट इट ऑब्जेक्टिव इज। नाउ कमिंग टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज रिगार्डिंग योर 76th आर्मी डे एंड 8th आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे। हर साल 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। इट इज टू रिमेंबर द ओकेजन व्हेन फील्ड मार्शल केएम करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, किससे? फ्रॉम द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ 1949 में। तो उसको देखते हुए फिर 15 जनवरी को आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाने लगा है, और 14th जनवरी होता है आर्म फोर्सेज वेटरन्स डे, हर साल ये मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1953 के अंदर फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, जिनका मैंने बात करी, हु लेड द फोर्सेस टू विक्ट्री इन 1947, रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज फॉर्मली। सो वी हैव दिस आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे एंड आर्मी डे, एक 14 जनवरी को, एक 15 जनवरी को, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।